चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबाएं। यदि लाल बटन नहीं दिख रहा है तो समझें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें ताकि इस फ्री ज्ञान का लाभ सभी लोग उठा सकें, क्योंकि तभी तो आपको इंग्लिश में बात करने वाला व्यक्ति मिल पाएगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आओ इंग्लिश बोले का 6 पार्ट पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं 60 नए सेंटेंसेस या एक्सप्रेशंस लाया हूँ जिनके बिना गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सारे वाक्य आसान इंग्लिश में हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनकी कॉन्टेक्स्ट समझाई है ताकि आप उनको उचित मौके पर बोलें और अपनी हाजिर जवाबी का नमूना पेश करें। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। और आज का पहला वाक्य है, परीक्षा पास करो, परीक्षा पास करो। क्लियर दी एग्जाम, क्लियर दी एग्जाम। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए। सच एज, सच एज। सच एज यानी जैसे कि या उदाहरण के लिए। एग्जाम्पल देखें, आई आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस सच एज, यानी मैंने कुछ सवाल पूछे जैसे कि। सर्टेन यानी कुछ। की जगह पर, की जगह पर। इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। जैसे मैं मंडे की जगह पर ट्यूसडे को आऊंगा। रविवार की रात तक, रविवार की रात तक। टिल संडे नाइट, टिल संडे नाइट। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। नई चीज़ों को परखो, नई चीज़ों को परखो। ट्राई न्यू थिंग्स, ट्राई न्यू थिंग्स। ट्राई का अर्थ यहाँ परखने से है, न कि कोशिश करने से। के कारण, के कारण। ड्यू टू, ड्यू टू। एग्जाम्पल देखिए, ड्यू टू इलनेस आई कुड नॉट कम, यानी बीमारी के कारण मैं नहीं आ सका। नहीं शुक्रिया, नहीं शुक्रिया। नो थैंक्स, नो थैंक्स। बढ़िया प्रदर्शन, बढ़िया प्रदर्शन। गुड शो, गुड शो। किसी की तारीफ करने का कोई भी मौका न छोड़ें। शुभ रात्रि और मीठे सपने, शुभ रात्रि और मीठे सपने। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। रात में जाते समय हम इस तरह से अभिवादन करते हैं, मीठे सपने यानी स्वीट ड्रीम्स, जो कि इसका सही हिंदी अनुवाद है। यदि आप गुड नाइट एवं स्वीट ड्रीम्स एक साथ बोलेंगे तो ये एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बन जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। प्रिटी गुड, प्रिटी गुड। प्रिटी यानी बहुत। आप सही फरमा रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं। यू आर राइट, यू आर राइट। यानी आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू। मिलने पर अपनी खुशी जाहिर करें। आपका सब मंगलमय हो, आपका सब मंगलमय हो। विशिंग यू वेल, विशिंग यू वेल। यानी आपके साथ सब ठीक ठाक हो। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ इट, आई एम फॉन्ड ऑफ इट। फॉन्ड ऑफ यानी पसंद होना। मान गए आपकी सफाई को, मान गए आपकी सफाई को। फेयर एनफ, फेयर एनफ। ये एक बहुत कॉमन फ्रेज है जब कोई डिस्कशन में अपना पक्ष रखता है और आप उस बात से यदि सहमत हों तो आप उसे बीच में रोकते हुए फेयर एनफ कह सकते हैं। यानी अब और सफाई देने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस रोज़मर्रा की तरह, बस रोज़मर्रा की तरह।
जस्ट द यूजुअल, जस्ट द यूजुअल। ये फ्रेज उनके लिए जो सच बोलते हैं, यानी यदि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया और एक्साइटिंग नहीं पाते हैं और आप सच बोलना चाहते हैं तो जस्ट द यूजुअल कहें। मैं इसे लेकर बावला हूँ, मैं इसे लेकर बावला हूँ। आई एम क्रेजी अबाउट इट, आई एम क्रेजी अबाउट इट। क्रेजी का अर्थ होता है सनकी, बावला, पगला, दीवाना आदि। यानी आपका किसी चीज़ के प्रति एक अजीब खिंचाव है जो शायद आपको खुद ही नहीं पता है। मेरी राय में, इन माई ओपिनियन, इसे हम ओपिनियन नहीं पढ़ते हैं, इसका जो सही प्रोनंसिएशन है वो है ओपिनियन। मेरा विश्वास है, आई बिलीव। उनके बारे में क्या, वट अबाउट देम, यानी उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है, किस बात के लिए, फॉर वॉट पर्पस, पर्पस यानी उद्देश्य, प्रयोजन, या आसान भाषा में मतलब। मेरा मानना है, आई सपोज, यानी आप श्योर नहीं हैं और ये एक पॉसिबिलिटी की ओर इशारा है। व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, इस सड़क के साथ चलते जाओ, गो अलोंग द स्ट्रीट। रास्ता बताते समय हम इस तरह समझाते हैं कि ये रोड पकड़ लो और जैसे जैसे रोड बढ़ती है आप भी वैसे वैसे चलते रहो। जहाँ तक मेरा सोचना है या जहाँ तक मेरी समझ है, टू माई माइंड, ये एक बहुत कॉमन परंतु आवश्यक फ्रेज है, यानी जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है। देर दोपहर है, इट्स लेट आफ्टरनून, जल्दी शाम को, अर्ली इवनिंग, ये 5 से 7 PM तक का समय होता है। मैं शर्त लगाता हूँ, आई बेट, यानी मुझे पूरा यकीन है और इसके लिए मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। यदि आप मुझसे पूछें तो, if you ask me, इसके आगे आप अपनी बात जोड़ सकते हैं। मेरा अनुमान है, I guess, मेरे विचार में, in my view, व्यू यानी विचार, मुझे ऐसा लगता है, it seems to me, seem यानी लगना या प्रतीत होना। अब लगातार 3 sentences में आप दूसरों को रास्ता बताएंगे। इस सड़क को पकड़ लो, take this road, यह पास है, it's near, यह दूर है, it's far, far यानी दूर। ये FOR से फर्क है। वाहन खड़ा करना मना है, no parking, मैं यहाँ से नहीं हूँ, I am not from here, यदि आपसे कोई रास्ता पूछे और आप उस इलाके से नहीं हैं तो आई एम नॉट फ्रॉम हियर कहकर अपना पल्ला झाड़ें। पहला बायां मोड़ लें, टेक द फर्स्ट लेफ्ट, ये भी हम रास्ता बताने के लिए यूज़ करते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम अफ्रेड, अफ्रेड का दूसरा अर्थ भी बहुत कॉमन है, ये माफ़ी मांगने से संबंधित है,
यदि आपको कुछ नहीं पता या आप कुछ करने में असमर्थ हैं तो आई एम अफ्रेड कहें। लगभग 400 yards, लगभग 400 yards, अबाउट 400 yards, अबाउट 400 yards, अबाउट यानी लगभग। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। आप थैंक यू के जवाब में यू आर वेलकम कहें। इससे आपको मैनर्स वाला समझा जाएगा। भाई क्या बात है, तीन वर्ड्स और इतना फायदा। देर शाम, देर शाम, लेट इवनिंग, लेट इवनिंग। ये समय 8 से 10 बजे के बीच का है। जल्दी अपराहन, जल्दी अपराहन, अर्ली आफ्टरनून, अर्ली आफ्टरनून। ये समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच का है। देर अपराहन, देर अपराहन, लेट आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून। ये समय 4 बजे से 6 बजे तक का है, जिसकी चर्चा अभी पहले हमने की थी। रात्रि, रात्रि, नाइट, नाइट। ये 10 बजे के बाद मानी जाती है। कृपया इधर से आइए, कृपया इधर से आइए, प्लीज़ कम दिस वे, प्लीज़ कम दिस वे। कृपया दो कॉफ़ीज़ दीजिए, कृपया दो कॉफ़ीज़ दीजिए। लेट्स हैव टू कॉफ़ीज़ प्लीज़, लेट्स हैव टू कॉफ़ीज़ प्लीज़। आप ऑर्डर कर रहे हैं तो गिव के स्थान पर हैव का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं बिल के लिए तैयार हूँ, मैं बिल के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर द बिल, आई एम रेडी फॉर द बिल। यानी मैं अब और ऑर्डर नहीं करूँगा। नकद, नकद, बाय कैश, बाय कैश। यानी मैं कैश पेमेंट करूँगा। बस इतना, बस इतना, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। यानी अब इसके बाद कुछ और नहीं। कृपया थोड़ा पानी, कृपया थोड़ा पानी, सम वाटर प्लीज़, सम वाटर प्लीज़। सही लगता है, सही लगता है, इट लुक्स गुड, इट लुक्स गुड। यदि देखने में जैसे बना हुआ खाना ठीक लगे तो आप इट लुक्स गुड कहें। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आई कांट स्टैंड इट, आई कांट स्टैंड इट। यह मेरे मन की चाही है, ये मेरे मन की चाही है। इट्स माई थिंग, इट्स माई थिंग। उदाहरण के लिए यदि ट्रेन में आप लोअर, मिडल या अपर सीट में से किसी को सबसे अधिक पसंद करते हैं और वह आपको मिल जाती है तो आप इट्स माई थिंग कहेंगे। यह कठिन काम है, यह कठिन काम है, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। डिफ़िकल्ट यानी कठिन, टास्क यानी काम। इसे कोई भी कर सकता है, इसे कोई भी कर सकता है, एनी वन कैन डू इट, एनी वन कैन डू इट। यानी ये काम बहुत आसान है, यह बहुत आसान बात है, ये बहुत आसान बात है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ये इसकी ट्रांसलेशन नहीं है, परंतु मतलब यही निकलता है कि आपने इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत आसान बात है। ये थोड़ा कठिन है, ये थोड़ा कठिन है, इट्स अ बिट ट्रिकी, इट्स अ बिट ट्रिकी। अ बिट यानी थोड़ा, ट्रिकी यानी कठिन या पेचीदा। प्यारे दोस्तों, आशा है कि आपको सारे सेंटेंसेस पसंद आए होंगे और शायद यही सेंटेंसेस आप बोलना चाह भी रहे होंगे। तो साथियों, अब किस घड़ी का इंतज़ार है, इन वाक्यों को खूब बोलें और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पाएं। अब रुखसत लेने का वक्त आ गया है। अगली मुलाकात तक आप खुश रहें, दिल से मुस्कुराते रहें और इंग्लिश बोलने के इस सफ़र को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। तब तक के लिए आपको मेरी सप्रेम नमस्ते।